लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने कल दिल्ली में बैठक की और पीएम को अपनी 6 मांगों के साथ खुली चिट्ठी भेज दी। सवाल है कि क्या इस मामले पर नरम पड़ी सरकार को कुछ और झुकाने की कोशिश में है आंदोलनकारी किसान संगठन। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रकाश पर्व की सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान से एक बार फिर सबको चौंका दिया। जिन 3 कृषि कानूनों पर पिछले 1 साल से कई किसान संगठन आंदोलन के रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी हैरान हुए। लगा कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलनकारी किसानों की भी घर वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ, न भविष्य में होता दिख रहा है। पीएम मोदी के कानून वापसी के ऐलान के बाद किसान संगठनों की हलचल और तेज हो गई है। आंदोलन पर डटे किसान तो घर नहीं लौटे, अलबत्ता आगे की रणनीति के लिए बैठकों का दौर तेज हो गया है। बड़ी बात यह है कि किसान संगठन अब 3 कृषि कानूनों के अलावा दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर MSP को लेकर। संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक में भविष्य को लेकर कई फैसले लिए गए। मुकदमों का एक बड़ा इशू है रहेगा, जो किसान शहीद हो गए उनके परिवारों का मुआवजे की बात रहेगी। MSP पे गारंटी कानून बने, एक वो बड़ा इशू रहेगा। और बहुत से बिल ये लाना चाहते हैं, उन बिलों पर भी हम बात करना चाहेंगे। MSP, शहीद किसान और जो आंदोलन के दौरान के मुकदमे, बिजली बिल, ये तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा। इन्हीं बातों को मद्देनजर रख के जो कंक्लूजन निकलेगा उस पर आगे की रणनीति। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आंदोलनकारी किसानों की पूरी रणनीति तैयार है। सबसे पहले लखनऊ में 22 नवंबर को किसान महापंचायत होगी। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में जुटेंगे। 27 नवंबर को किसान संगठन एक बार फिर बड़ी बैठक करेंगे। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन भी अभी तक तय है, जिस पर आखिरी फैसला 27 नवंबर की मीटिंग में लिया जाएगा। आगे के प्रोग्राम 22 नवंबर की लखनऊ की रैली तो जारी है, कल बहुत अच्छी बड़ी रैली होगी। 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो रहा है आंदोलन का, दिल्ली के बॉर्डर पर और पूरे देश में बहुत बड़ी किसान महापंचायत होगी। 28 तारीख को हमारी मुंबई में महाराष्ट्र की बड़ी महापंचायत हो रही है, SKM के लीडर आ रहे हैं। और 29 तारीख से क्या करना है उसके बारे में 27 नवंबर को SKM की फिर से मीटिंग होगी, उसके अंदर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। सवाल है कि जब पीएम मोदी ने खुद कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया है तो फिर किसान संगठनों को उस पर भरोसा क्यों नहीं? संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार वो क्यों कर रहे हैं? क्या अब MSP और दूसरे मुद्दों के नाम पर किसान सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार के नरम रुख को देखते हुए आंदोलन के नाम पर किसान अपनी मनमानी करना चाहते हैं? तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया। किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन और यह कानून वापस जाए, लिया जाए, मांग की जाती रही और शासन की तरफ से समझाया नहीं जा सका उनको। अंत में इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस कानून को वापस लेना चाहिए और बड़े आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक दिशा में ये पहल है, अच्छा कार्य हुआ है। फिलहाल इंतजार संसद के शीतकालीन सत्र का है, इंतजार किसान संगठनों की अगली बैठक का है, इंतजार सरकार के रुख का है। लेकिन पीएम मोदी के ऐलान के बाद के घटनाक्रमों की कड़ी को देखकर साफ है कि आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार में तकरार की धार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन खत्म नहीं हुई। उन्नाव से विशाल चौहान और दिल्ली से सुशांत मेहरा और श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।